दोस्तों कोर्सेज एंड करियर के एक और नए एक्साइटिंग एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे सेल्फ मेड प्रोफेशनल मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट फ्री में कैसे बने। मैंने आप लोग के लिए मोशन ग्राफिक का दो बेस्ट फ्री कोर्स ढूंढ लिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मोशन ग्राफिक कोई भी सीख सकता है बहुत कम समय में। ये देखिए, ये fiverr.com है, एक टॉप फ्रीलांसिंग साइट में से एक। लोग मोशन ग्राफिक्स सीखकर सिर्फ 20 सेकंड्स, 40 सेकंड्स का 2D मोशन ग्राफिक एक्सप्लेनर वीडियो बनाने का $25 से लेकर $1500 तक चार्ज कर रहे हैं। जैसे आप इन्हीं का प्रोफाइल देख लीजिए, एनिमी टीम, आई विल क्रिएट एन एनिमेटेड मोशन ग्राफिक एक्सप्लेनर वीडियो। स्टार्टिंग प्राइस कितना है? $1800 यानी ₹1,31,000। और इनको सक्सेसफुली 13 ऑर्डर से ज्यादा मिल चुका है। क्या होता है मोशन ग्राफिक, करियर स्कोप और ये स्किल्स सीखने के बाद कैसे आप घर बैठे ₹30,000 से लेकर ₹1,00,000 तक हर महीने आराम से कमा सकते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। दुनिया का 82% कंज्यूमर इंटरनेट ट्रैफिक वीडियो कंटेंट से आ रहा है। यस, 80% सिर्फ वीडियो कंटेंट से। वीडियो मार्केटिंग पर कंपनीज बिलियंस में पैसे खर्च कर रही हैं, क्योंकि कंपनीज ये जानती हैं कि लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड ही रह गया है। हर 8 सेकंड के बाद लोगों का फोकस अपने आप ही टास्क से हट जा रहा है। और ऐसे में अगर अपने ब्रांड को प्रमोट करना है तो एड्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। वीडियो एड्स तो सबसे ज्यादा एंगेजिंग होते ही हैं, लेकिन जब उनमें मोशन ग्राफिक यूज किया जाता है तो ये एंगेजमेंट डबल हो जाती है। इसीलिए ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने ऑडियंस अटेंशन को होल्ड करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा यूज वीडियो विद मोशन ग्राफिक किया जा रहा है, जिससे मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट की डिमांड बढ़ रही है और वो काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। मैंने कई मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट का इंटरव्यू बहुत बारीकी से देखा है। जो भी बेस्ट टिप्स टेक्निक्स हैं एक सेल्फ मेड प्रोफेशनल मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनने का, सब डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये सिंगल स्किल सीखने के बाद आपको नेम, फेम, मनी और फ्रीडम तीनों मिल सकता है। आप पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब तो कर ही सकते हो, साथ में अपने यूट्यूब चैनल के लिए अट्रैक्टिव एड्स एक्सप्लेनर वीडियो बना सकते हो, अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए एड्स बना सकते हो। ये स्किल लाइफ टाइम तक काम आएगी। एक समय था आज से 25-30 साल पहले, उस समय के लोग स्पेशलिस्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे। आपको कोई एक स्किल सीखना है और उसमें स्पेशलिस्ट बनना है, तभी आपको अच्छी सैलरी मिलती थी। बट आज का ये मॉडर्न एंड डिजिटल दुनिया बिल्कुल अलग ही है। यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं जर्नलिस्ट आगे बढ़ते हैं, जो निरंतर सीखते रहते हैं, जिन्हें एक स्किल नहीं बल्कि कई स्किल आता है। क्योंकि आज के इस डिजिटल दुनिया में हर महीने नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो पुराने काम करने के तरीकों को बिल्कुल बदल के रख दे रही है। इसीलिए निरंतर नए नए ऐसे स्किल्स सीखते रहो जो आपके लक्ष्य को पाने में सबसे ज्यादा हेल्प करे। तो आइए दोस्तों, आज एक नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हैं। जानते हैं कि मोशन ग्राफिक क्या है, कैसे फ्री में सीखें और सीखने के बाद कैसे पैसे कमाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जानते हैं मोशन ग्राफिक क्या होता है, फिर मैं आपको उन दो फ्री कोर्सेज से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सो मेनली एनिमेशन 5 तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल एनिमेशन, 2D वेक्टर एनिमेशन, 3D कंप्यूटर एनिमेशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन और पांचवा मोशन ग्राफिक। पहला ट्रेडिशनल एनिमेशन। जब कंप्यूटर एनिमेशन नहीं आया था तो पहले ट्रेडिशनल एनिमेशन चलता था। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हर एक फ्रेम को हाथों से ड्रॉ किया जाता है और एक सेक्वेंस में स्पीड में चलाया जाता है, जिसे कैरेक्टर्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा 2D एंड 3D एनिमेशन। इसके बारे में आप जानते ही हो, जब से कंप्यूटर एनिमेशन टेक्नोलॉजी आई तब से ये काम सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स की हेल्प से किए जाते हैं। बहुत हाई लेवल और इंटरेस्टिंग एनिमेशन बनाए जाते हैं। 2D एनिमेशन के लिए एडोब एनिमेट, पार्टून, एनिमे स्टूडियो जैसे कई सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसे 2D एनिमेशन बनाए जाते हैं। और 3D एनिमेशन के लिए ऑटोडेस्क, माया, सिनेमा 4D जैसे कई पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं। चौथा है स्टॉप मोशन एनिमेशन। ये बिल्कुल अलग तरह का ही एनिमेशन है। इसमें लाइव एक्शन फिल्म मेकिंग के प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट पर। इसमें ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट में मूव किया जाता है और पिक्चर कैप्चर किया जाता है। इन सभी फोटो फ्रेम्स को स्पीड में चलाया जाता है, जिससे मोशन का इल्यूजन क्रिएट होता है। और लास्ट पांचवा एनिमेशन का टाइप है मोशन ग्राफिक, जिसे आज हमें डिटेल में एक्सप्लोर करना है। अगर आप इस वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ोगे तो आएगा ग्राफिक्स इन मोशन। सपोज करो मैंने एक ग्राफिक डिजाइन किया है, जैसे कि ये सब्सक्राइब का बटन। अगर मैं इस ग्राफिक को एनिमेट करके मोशन में लाता हूँ तो वो मोशन ग्राफिक बोला जाता है। एक और एग्जांपल, B4U म्यूजिक का लोगो, एक स्टैटिक लोगो को कैसे मोशन में बदल दिया गया है। सो बेसिकली मोशन ग्राफिक होता है शेप, टेक्स्ट, इमेज, आइकॉन्स, इन ग्राफिक्स को क्रिएटिव वे में एनिमेट करना, मतलब उसमें मोशन देना जिसकी हेल्प से किसी भी कॉम्प्लेक्स चीजों को इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में समझाया जा सके। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और इम्पैक्टफुल है, इसी की वजह से इतना पॉपुलर हो रहा है।
एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी फिल्म का टाइटलिंग सीक्वेंस देखते हो, या तो आजकल आपने ऐसे एड्स वाले वीडियो देखी होंगी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्सप्लेन करती हैं। वीडियोस के इंट्रो आउट्रो में इवन फेसबुक पर भी जब भी कोई आपको अपडेट देखने को मिलता है, जैसे आपका ईयर रिव्यू, फेसबुक एड्स, वो भी मोशन ग्राफिक के थ्रू बनाया जाता है। मोशन ग्राफिक का सबसे ज्यादा यूज एडवर्टाइजमेंट के अंदर एड्स बनाने में, लाइव इन्फोग्राफिक में, एनिमेटेड गिफ्ट, टाइपोग्राफिक वीडियोस बनाने में। दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट करते हैं विजुअल इफेक्ट और मोशन ग्राफिक में क्या अंतर है। सो VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी को लाइव एक्शन के साथ मर्ज किया जाता है। विजुअल इफेक्ट्स को यूज किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स को बनाने के लिए जिन्हें लाइव एक्शन पे शूट करना बहुत ही महंगा, डेंजरस या इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। जैसे बाहुबली में आपने देखा होगा माउंटेन्स, झील, वो सब ग्रीन स्क्रीन और VFX के हेल्प से बनाया गया है। आइए अब जानते हैं मोशन ग्राफिक फ्री में कैसे सीखें। मोशन ग्राफिक का कोई स्पेशल डिग्री कोर्स नहीं होता है, बस आपको कुछ टूल्स, टिप्स और टेक्निक्स सीखना है। सबसे पहले आपको जो मैं दो कोर्स बताने वाला हूँ उनको करना है। इन कोर्स को करने के बाद आप टूल्स और कुछ बेसिक टेक्निक सीख जाएंगे। ये दुनिया के मोस्ट यूज 4 टूल्स यानी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे बेसिक टू एडवांस हर तरह के मोशन ग्राफिक बनाया जाता है। फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो और चौथा आफ्टर इफेक्ट्स। 2D मोशन ग्राफिक सीखना 3D मोशन ग्राफिक की तुलना में बहुत आसान है। बहुत कम समय में आप हर तरह के 2D मोशन ग्राफिक बनाना सीख सकते हैं। 3D मोशन ग्राफिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसमें काफी टाइम लगता है, इसीलिए आपको सबसे पहले 2D मोशन ग्राफिक सीखना चाहिए। मैक्सिमम आप हर जगह 2D मोशन ग्राफिक ही देखते हैं, इसीलिए 2D मोशन ग्राफिक का काम ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू 3D। ये चारों सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट 2D मोशन ग्राफिक के लिए यूज किए जाते हैं और इन्हें सीखना बहुत आसान है। एक बात का ध्यान रखिए, टूल सिर्फ वैल्यू एड करता है आपके क्रिएटिव थॉट प्रोसेस में और कुछ नहीं। सारा खेल आपकी क्रिएटिविटी, पैशन, जो भी आप टेक्निक टिप सीखोगे ये सब आपको एक बेस्ट आर्टिस्ट बनाएंगे। अगर आप बहुत सीरियस हो मोशन ग्राफिक को लेकर, 2D मोशन ग्राफिक सीखने के जस्ट बाद आप 3D भी सीखना चाहते हो, तो इसके लिए मैक्सॉन सिनेमा 4D सीख सकते हो। सिनेमा 4D के साथ 3D मोशन ग्राफिक के कई कोर्सेज पड़े हुए हैं YouTube पर, कई सारे ट्यूटोरियल हैं टिप्स टेक्निक्स के साथ। पहले 2D मोशन ग्राफिक्स सीख लो, फिर आगे चलकर आप 3D भी सीख सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2D मोशन ग्राफिक के लिए वो दो बेस्ट फ्री कोर्सेज कौन से हैं, कैसे आपको मिलेंगे। दोस्तों, पहले कोर्स के लिए अपने ब्राउजर में टाइप करिए schoolofmotion.com और इसके होम पेज पर आ जाएं। पहला कोर्स इसी वेबसाइट पर मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक और कोर्स का डायरेक्ट लिंक आपको एब्जेक्ट फैक्ट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग स्कूल ऑफ मोशन के होम पेज पर हैं। कोर्सेज के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सभी कोर्सेज आ जाएंगे। ये देखिए, दूसरे नंबर पे मिल जाएगा अपना कोर्स द पाथ ऑफ मोग्राफ। मोग्राफ यानी मोशन ग्राफिक। ये 10 दिन का कोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साफ साफ लिखा हुआ है नो पेमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखिए क्लियर मेंशन है, इन दिस शॉर्ट 10 डेज कोर्स यू विल गेट एन इन डेप्थ लुक ऑफ व्हाट इट्स टेक टू बी अ मोशन डिजाइनर। अलोंग द वे यू विल लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स यूज इन दिस फील्ड थ्रू इन डेप्थ केस स्टडी एंड टर्न्स ऑफ बोनस मटेरियल। आप इस कोर्स में सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स तो सीखेंगे ही, साथ में आपको केस स्टडी और बोनस मटेरियल भी दिया जाएगा। इस कोर्स में इनरोल होने के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ FAQs आएंगे, आप पढ़ सकते हैं। इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। लेट्स गो पे क्लिक करना है और आपको रजिस्टर कर लेना है। सिंपल ईमेल ID, पासवर्ड, नेम डालिए और आप इजिली इस कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। दोस्तों, ये कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में है। जिन लोगों को इंग्लिश कॉन्टेंट समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए इंग्लिश सबटाइटल दिया गया है। बस आपको इनके प्लेयर में कैप्शन ऑन कर देना है, लाइन बाय लाइन लिखता जाएगा और आप पढ़कर समझ सकते हैं। इनके कोर्सेज काफी अच्छे होते हैं, इनका नाम ही है स्कूल ऑफ मोशन। ये लोग एनिमेशन के एक्सपर्ट्स हैं। कोर्सेज वाले पेज पर नीचे आएंगे, आपको एक और कोर्स फ्री देखने को मिलेगा। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कोर्स है, एक दिन का है, लेवल अप। आप देख सकते हैं फ्री है, नो पेमेंट रिक्वायर्ड। इस एक दिन के शॉर्ट लेवल अप कोर्स में क्या सीखेंगे आप, डिस्कवर हाउ टू ग्रो योर मोशन डिजाइन करियर। ये कोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया जाएगा कैसे आपको ग्रो करना है अपने करियर में एज अ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट। तो दोस्तों, इस तरह हमने फ्री मोशन ग्राफिक का पहला कोर्स तो एक्सप्लोर कर लिया। अब मैं आपको दूसरे कोर्स से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। दूसरे कोर्स की ओर आगे बढ़ने से पहले, जो लोग भी एब्जेक्ट फैक्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लोग ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको करियर रिलेटेड यूजफुल PDF, फ्री वेबिनार, जॉब फेयर, टेक्निकल फेस्ट,
फ्री कोर्सेज डायरेक्ट शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 2D मोशन ग्राफिक का दूसरा ये कोर्स हिंदी में है, ऑल टाइम फ्री कोर्स है, कोई भी कभी भी कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है ये कोर्स किसी प्रीमियम कोर्स से भी अच्छा है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था दुनिया में जितने भी 2D मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, मोस्टली वो इन्हीं चारों सॉफ्टवेयर को यूज करके हर तरह के 2D मोशन ग्राफिक बनाते हैं, फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो और चौथा आफ्टर इफेक्ट्स। फोटोशॉप के बारे में हर कोई तो जानता ही है, फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से आप हर तरह के 2D ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। चाहे आपको 2D कार्टून कैरेक्टर बनाना हो, बैनर बनाना हो, लोगो बनाना हो, ग्राफ हो, डायग्राम हो, कोई भी वेक्टर इमेज हो, आप इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। अब जब आप इन दोनों सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोई 2D ग्राफिक डिजाइन कर लेते हैं, तब काम आता है आफ्टर इफेक्ट का। आप इस 2D ग्राफिक डिजाइन को एनिमेट करने के लिए आफ्टर इफेक्ट में इम्पोर्ट करते हैं, और आफ्टर इफेक्ट आपके डिजाइन के हर एक एलिमेंट को अलग कर सकता है और अलग अलग इफेक्ट देके एनिमेट कर सकता है। और जब आपका 2D ग्राफिक आफ्टर इफेक्ट्स के द्वारा मोशन ग्राफिक के छोटे छोटे क्लिप में बदल जाता है, तो उनको मर्ज करना होता है। इसके लिए एक काम आता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, तो इसके लिए पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर प्रो। यानी आप कह सकते हैं एक 2D मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट एक वीडियो एडिटर भी होता है और एक ग्राफिक डिजाइनर भी होता है। दोस्तों 2D मोशन ग्राफिक का दूसरा ये कोर्स आपको YouTube पर मिल जाएगा। YouTube के सर्च बॉक्स में सर्च करिए GFX Mentor। जैसे आप ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल आएगा। इस चैनल पे आप ग्राफिक डिजाइन 2D मोशन ग्राफिक बहुत अच्छे से सीख सकते हैं हिंदी में। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आना है, आप देख सकते हैं कितने सारे फ्री कोर्सेज हैं। यहाँ पर चारों सॉफ्टवेयर के अलग अलग कोर्सेज बना के रखे हुए हैं। सबसे पहले आपको फोटोशॉप सीखना है, उसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर, फिर आपको एडोब प्रीमियर प्रो और लास्ट में आपको आफ्टर इफेक्ट सीखना है। अगर आप चाहो प्रीमियर प्रो से पहले आफ्टर इफेक्ट भी सीख सकते हो। जैसे आप ये चारों सॉफ्टवेयर सीख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। पहले कोर्स में आप टिप्स टेक्निक्स तो सीख ही गए हो और यहाँ से सारे टूल्स अच्छे से सीख जाओगे। 2D मोशन ग्राफिक्स सीखने के बाद प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म YouTube है। यहाँ पे कई सारे आर्टिस्ट अलग अलग टेक्निक्स बताते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे वेबसाइट भी बताते हैं जहाँ से आप बने बनाए हर तरह के ग्राफिक डिजाइन ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको आफ्टर इफेक्ट में इम्पोर्ट करके एनिमेट करके मोशन ग्राफिक बना सकते हो। मोशन ग्राफिक्स सीखने के बाद आपको इंटर्नशिप करना है 3-4 महीने का। इसके लिए internsala.com पे जाओ और निरंतर अच्छी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप अप्लाई करना शुरू कर दो। 3-4 महीने में आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब आपको लगने लगे कि आप हर तरह के मोशन ग्राफिक बना सकते हो, फिर आप अपना अकाउंट फाइबर पे बनाओ और वहाँ से फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक नया यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।